डेविड धवन और गोविंदा हमेशा से एक सुपरहिट जोड़ी रहे हैं। कूली नंबर एक, हीरो नंबर एक, आंटी नंबर एक, बेटी नंबर एक जैसी सुपरहिट फिल्में देकर दोनों ने बॉलीवुड में सिचुएशनल कॉमेडी को नई पहचान दी थी। अब जुड़वा दो के ट्रेलर लॉन्च के दौरान डेविड धवन ने गोविंदा के साथ काम करने पर बात की। दरअसल आजकल गोविंदा डेविड धवन से किसी बात पर नाराज चल रहे हैं और हाल ही में उन्होंने डेविड धवन और वरुण धवन को खरी खोटी भी सुनाई थी। गौरतलब है कि कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा था कि डेविड धवन बड़ा अजीब आदमी है, उसको पसंद नहीं आता जब दूसरों की फिल्में हिट होती है। अब डेविड धवन से गोविंदा के साथ काम करने के बारे में पूछा गया तो डेविड ने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं ऐसी फिल्में बनाता हूं जो लोगों को एंटरटेन करे, लेकिन गोविंदा के साथ मेरी अलग ही ट्यूनिंग रही है, हमने मिलकर इतिहास बनाया है, लेकिन अभी फिलहाल मैं अपने बेटे के साथ फिल्म बना रहा हूं। वैसे गोविंदा ने आधी इंडस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ बोला है। जानिए यहाँ, सलमान खान फिल्म पार्टनर के बाद माना जा रहा था कि सलमान गोविंदा की दोस्ती दर्शकों को और देखने मिलेगी, लेकिन ऐसा हो ना पाया। गोविंदा ने कहा कि कोई चांस नहीं था कि मैं सलमान कैंप में ज्यादा दिन तक टिक सकूं। फिल्म में मेरी इतनी तारीफ की गई थी कि सलमान को काफी लोगों ने बोला कि तुम्हें गोविंदा के सामने नहीं आना चाहिए। वरुण धवन, गोविंदा ने कहा मैं नहीं चाहता कि कोई भी नीलकुमार गोविंदा बने, वरुण धवन हो या रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, जिन संघर्षों से मैं गुजरा हूँ मैं नहीं चाहता कोई गुजरे। वरुण के पास डेविड धवन जैसे पिता हैं, वह गोविंदा नहीं हो सकता। डेविड धवन ने कई साल पहले अचानक मेरे साथ पिक्चर बनाने से इनकार कर दिया। डेविड ने कहा मैं नहीं करूंगा काम, गोविंदा को कहो कि जो भी छोटा मोटा रोल मिलता है कर ले। उसकी वह भाषा जब मेरे कान में पड़ी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर यह एहसास हुआ कि वह अपने बेटे को हीरो बनाने वाला है, इसलिए मुझसे पहले ही बात करनी छोड़ दी उसने। शाहरुख खान, फिर वह अपने बेटे को लेकर शाहरुख खान के पास गया क्योंकि शाहरुख खान तब बहुत सक्सेसफुल थे। मैं और सलमान सोचने लगे कि काम तो इसने सारी जिंदगी हम लोगों के साथ किया, पर बेटे को शाहरुख के यहाँ ले गया तो कहीं तो शाहरुख ज्यादा अच्छा आदमी है या ज्यादा पढ़ा लिखा है और हमारी पढ़ाई अच्छे से पूरी नहीं हुई है। सलमान ने तो फिर हिट फिल्में दे दी क्योंकि उसके साथ उसके पिताजी, उसके भाई, घर परिवार वाले खड़े हो गए। मैं अकेला पड़ गया और अकेले इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना आसान नहीं है। सोनाली बेंद्रे, गोविंदा का मानना है कि सोनाली बेंद्रे को उन्होंने ढूंढा है। गोविंदा बताते हैं कि उनके सामने एक ऑटो रुका और एक लड़की उतरी। उसने आकर कहा नमस्ते गोविंदा जी, मैं सोनाली बेंद्रे। मैंने तुरंत उसे बताया कि वो कितनी खूबसूरत है। इसके बाद मैंने उससे कहा कि आप मेरे सेट पर आइए, मैं आपके साथ काम करूंगा। हालांकि सोनाली बेंद्रे से जुड़े एक सूत्र ने इस कहानी को मनगढ़ंत बताया है। करण जौहर, जब गोविंदा से पूछा गया कि क्या वे कॉफी विद करण में जाएंगे तो गोविंदा ने कहा हो सकता है यह करण जौहर के लिए बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा हो यदि वे मुझे कॉल कर लेंगे, लेकिन वे वरुण धवन की फिल्म मेरी फिल्म से ठीक एक हफ्ते बाद रिलीज कर रहे हैं। गोविंदा ने कहा करण जौहर भले ही सीधे सादे भोले दिखते हैं, लेकिन वो मुझे डेविड धवन से ज्यादा ईर्ष्यालु और खतरनाक दिखते हैं। खान्स लोग खान एक्टर्स के विरोध में बोल ही नहीं सकते। आप देखो, जब रणवीर सिंह आया तो लोगों ने कहा गोविंदा, जब वरुण आया तो लोगों ने कहा गोविंदा। आप खुद ही देखो, इन दोनों की बॉडी तो सलमान जैसी है, लेकिन किसी की हिम्मत है कि यह कहें ये सलमान जैसे हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि यदि कह देंगे कि सलमान जैसे हैं तो अगले दिन से फिल्म नहीं मिलेगी। स्टारडम, मुझे कभी किसी का बड़ा सपोर्ट नहीं मिला, मैं वन मैन शो रहा हूँ हमेशा। मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं कभी किसी लॉबी का हिस्सा नहीं रहा। यहाँ जो यह सम्मान मिलता है उसकी भी एक पूरी प्लानिंग होती है। हालांकि वहीं एक दूसरे इंटरव्यू में गोविंदा का कहना था कि उनके बुरे वक्त में पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी थी। सलमान खान, सलमान के बारे में गोविंदा ने कहा कि हम दोनों ने अपने करियर में बुरा वक्त देखा है, आज मैं उसके करियर और सक्सेस के बीच नहीं आना चाहता। हम दोनों एक दूसरे के काम की इज्जत करते हैं पर साथ काम नहीं कर सकते। गोविंदा ने कहा कि सलमान खान एक बेहद अच्छे इंसान हैं और वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मुझे इस बात से काफी खुशी मिलती है। घर ही काम का अपने बेटे तक को गोविंदा ने सलाह दे डाली है, अच्छी एक्टिंग करें, अच्छा डांस करें, गाना गाएं, फाइट करें, लेकिन फिर भी ये सब छोटा सा हिस्सा है। कमाल की बात ये है कि आप जिस घर परिवार का हिस्सा हैं वे आपके विरोध में न रहे। स्टारडम वाले दिन फिल्मों में जो मेरी जगह है उसे जबरदस्ती जिद करके खाली कराया गया है, सिर्फ उसी स्पेस को खाली बनाया गया है।
मैं भी बहुत से लोगों की तारीफ पढ़ता हूँ कि यह गोविंदा की तरह करता है, पर गोविंदा बहुत साल से दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा मानना है कि किसी ने बहुत सोची समझी प्लानिंग की है, क्योंकि जो लोग फिल्म में पैसा लगाते हैं वही मेरे खिलाफ हो गए थे। फाइनेंस ही नहीं करते थे मुझे।